अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सीमा गुप्ता हुआ, घर से। क्या चीज से चुनाव लड़ रहे हैं? कौन से पद? अच्छा, क्षेत्र सीतामढ़ी। आप जब मेयर बनिएगा तो उसके बाद विकास क्या कीजिएगा? सबसे पहला विकास क्या होगा? विकास का मुद्दा तो बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले हमारी शहर जो है, रोड, नाली, पानी, बिजली, गंदगी जो है पूरा छाया हुआ है, इसको हटाना पहले मेरा काम होगा। सुंदर शहर बने, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाइएगा? ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आपको सड़क का जैसे जाम लगने से बहुत सारे मरीज जो है ना रास्ते में उसका डेट हो जाती है। आपको आदमी बढ़ गया है, रोड उठा ही है, वन वे रोड है, उसके लिए चौड़ीकरण करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं आवाज़ जरूर उठाऊंगी ताकि चौड़ीकरण सड़क हो और एक जाने और एक आने वाला हो, ताकि जाने वाला जो है सो दिक्कत नहीं हो, फिर आने वाले को भी दिक्कत नहीं हो। सीतामढ़ी शहर को के लिए प्रयास, अयोध्या से जुड़ने के लिए कोई? जी, मैंने तो मुद्दा उठाया था जब नरेंद्र मोदी जी जब शिलान्यास कर रहे थे वहाँ जी मंदिर का, तो मैंने कहा जब उनके मुँह से निकला कि सिया राम, तो मैंने कहा कि जब आपके ही मुंह से निकला सिया राम तो फिर यहाँ सिया का तो पहले कीजिए। अभी आज भी है तो उनको, हमें यहाँ सीता की धरती है और ये बहुत ही गर्व की विषय है, गर्व की बात है कि सीता के जन्म भूमि पर हम लोग का जन्म हुआ है। और जब माँ साक्षात यहाँ है तो निश्चित रूप से यहाँ पर्यटन स्थल होनी चाहिए, और रोड का चौड़ीकरण होने के बाद या पर्यटन स्थल हमारा कोशिश रहेगा कि हो, ताकि धर्म के नाम पर सीतामढ़ी को जाना जाए और काम इतना अच्छा हो जो दूसरे देश से भी यहाँ आए लोग और यहाँ के मिट्टी भी के, क्योंकि माँ जानकी का जन्म इस धरती से हुआ है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि माँ जानकी का जन्म जहाँ से हुआ, जिस धरती से हुआ है, जिस मिट्टी में हुआ है, जिस धरती पे जब वो अकाल पड़ा हुआ था तो माँ जानकी ने जन्म के समय बारिश हुआ और माँ का जन्म होते ही अकाल खत्म हुआ। इसलिए ये धरती बहुत बड़ी, एक समझिए कि विश्व में एक उदाहरण के तौर पे जाना जाता है, इसलिए धर्म स्थल पर जोड़ने के लिए हमारा सारा प्रयास रहेगा। अच्छा, आपका सीतामढ़ी शहर में कचरा की समस्या ज्यादा आती है, नली की? रास्ता पूरा जैसे रिंग बांध रोड है, इसके बारे में तो पहले ही बता। नगर निगम आज हुई है, लेकिन अगर इसको सही से देखा जाए, भी जो नेता है, पहले के नेता हमेशा आते हैं, हमेशा जैसे नामलेशन के समय वो लाख वादे करते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो धरातल होता है, धरातल पर ही होता है। तो जो नेता वादा करके चले जाते हैं, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, वो जमीन का नेता ही नहीं है, वो तो हवा के नेता है। वो तो पैसा छीटते हैं, चुनाव जीतते हैं, घर में घुसते हैं। बहुत एक छोटा सा फॉर्मूला है, माल लगाओ, माल पाओ, और माल मल गया तो मिल गया तो घर जाओ। वो नेता है, वो हवा अब चलने वाली नहीं है। जो भी लोग है वो हवा का नेता है। सीमा गुप्ता मेरा नाम हुआ और हम राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ में प्रधान महासचिव है।